Hey guys, welcome back to our channel, The Study Tech. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 27th of March 2023. 27 March 2023 के important articles and editorial को discuss करेंगे. So the video is very much important to all the students who are preparing for competitive exams. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. और आज का न्यूज़पेपर आपको थोड़ा सा लेट अपलोड हुआ है ड्यू टू नेटवर्क इशू. आई एम वेरी सॉरी फॉर डिले. मैं कोशिश करूंगा कि कल से आपको 7 से 7:30 के बीच में न्यूज़पेपर मिल जाए. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर. दिस इज अ वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज विच बिल्ट ओवर चनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर रेसी डिस्ट्रिक्ट जिसकी हाइट है 359 मीटर. ठीक है, 359 मीटर इसकी हाइट है जो कि आईफल टावर जो कि पेरिस में लोकेटेड है उससे भी ज़्यादा है. ठीक है, आईफल टावर की हाइट कितनी है 330 मीटर के आसपास. ठीक है, उससे भी ये बड़ा है, आप देख सकते हैं. ओके, इसके बारे में आपको आने वाले पेजेस में आर्टिकल्स आया हुआ है तो उसमें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके, एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल. इसरो ने यहाँ पर 36 सेटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजा है अपने सबसे हैवीएस्ट रॉकेट के साथ LV-M3 के साथ. ठीक है, इसको सेकेंड लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर से. संडे के दिन 9:30 बजे के आसपास इसको लॉन्च किया गया. ठीक है, इसके रिगार्डिंग भी पेजेस में आर्टिकल्स आए हुए हैं तो वहाँ पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी. महाराष्ट्र टू फेस वाटर स्कार्सिटी एंड फ्लड सेज IPCC रिपोर्ट. ठीक है, तो IPCC की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई. ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई. उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ सालों में महाराष्ट्र दो चैलेंजेस यहाँ पर फेस करेगा. दैट इज पहला वाटर स्कार्सिटी, दूसरा फ्लडिंग. ठीक है, और एक जो आपका हीट वेव्स है वो तो करेगा ही करेगा. इसकी वजह से जो हाई टेम्परेचर है उसकी वजह से आपको हीट वेव्स भी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा. और ऐसा नहीं है कि केवल सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि ग्लोबली अगर हम देखें तो जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ आपको दिखेगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ केवल महाराष्ट्र, ग्लोबली भी टेम्परेचर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा. महाराष्ट्र यहाँ पर जो महाराष्ट्र है ऑलरेडी महाराष्ट्र ने एक्सपीरियंस किया है वाटर स्कार्सिटी का इन रिसेंट ईयर्स. ठीक है, एंड हाईर टेम्परेचर्स कुड लेड मोर हीट वेव्स विच कुड पोज अ सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क टू द स्टेट. ठीक है, तो जो हायर टेम्परेचर है इसकी वजह से आपको लोगों में हेल्थ रिस्क भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ओके, सो IPCC की ये रिपोर्ट को याद रखिएगा. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट. इन्होंने कहा कि आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर महाराष्ट्र वाटर स्कार्सिटी या फिर फ्लडिंग जैसे सिचुएशन फेस करता हुआ आपको महाराष्ट्र में मिलेगा. ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. कोस्ट गार्ड चॉपर क्रैश एट कोची एयरपोर्ट, रनवे क्लोज फॉर 2 आवर्स. ठीक है, जो कोस्ट गार्ड का जो चॉपर है वो एक्चुअली क्रैश कर गया कोची एयरपोर्ट पे और रनवे को 2 घंटों के लिए ब्लॉक कर दिया गया. ठीक है, ये जो इंसिडेंट हुआ है ये 12:30 बजे करीब हुआ है. ओके, और एक्चुअली बताया कि जो पायलट है उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया और इसकी वजह से चॉपर क्रैश कर गया. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. एडिटोरियल सेक्शन पे आते हैं. दोनों ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है. पहला एडिटोरियल में हालांकि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा MPs के बारे में बताया गया है. इसमें मैं आपको बता दूं तीन चार पॉइंट के बेसिस पे यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन होता है. पहला तो आपने राहुल गांधी का केस सुन लिया होगा. ठीक है, डेफिकेशन. ठीक है, दूसरा आप देख लीजिए डेफिकेशन. पहला हो गया डेफिमेशन जो कि राहुल गांधी जी को यहाँ पर डेफिमेशन के थ्रू यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो गए हैं वो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, आप सभी को पता होगा कि इनके ऊपर डेफिमेशन का केस लगाया गया है. डेफिमेशन मतलब होता है कि रेपुटेशन को खराब करने के लिए. ठीक है, 2019 में पार्लियामेंट्री पोल के दौरान यहाँ पर राहुल गांधी जी ने कहा था कि पूरी मोदी कम्युनिटी चोर कैसे हो सकती है. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने एक्चुअली जो मोदी है पूर्णेश मोदी जी उन्होंने एक्चुअली केस फाइल किया था सूरत कोर्ट में और सूरत कोर्ट ने इनको 2 साल की सजा सुना दी. ठीक है, और जैसे ही इनको 2 साल की सजा हुई तो ये डिस्क्वालीफाई हो गए एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए. ठीक है, तो ये डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं. ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में मैंने आपको बताया था कि एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू जो कि 10th शेड्यूल में आपका इंक्लूडेड है उसके थ्रू भी आप यहां पर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के दम पे टिकट को खरीदा. ठीक है, और उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत आएंगे, आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जा सकती है. ओके, और आपको वहां से हटा दिया जाएगा. ओके, तीसरा, अगर आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो उसके बेसिस पे भी आपको यहां पर क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मिनिस्टर बनने के लिए. ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. होप यू गॉट क्लैरिटी. और यहां पर प्रेसिडेंट का कोई भी रोल नहीं होता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय
प्राइम मिनिस्टर, इनकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, इनका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली इनके खिलाफ इनकी जो प्रोसीडिंग्स होती है, एक्चुअली मेंबर ऑफ द हाउस में इनकी हाउसेस में इनकी प्रोसीडिंग्स चलाई जाती है, और यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से पास कर इनको डिसक्वालीफाई भी किया जा सकता है, ओके। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। सेकेंड एडिटोरियल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन ईजिली स्किप दिस एडिटोरियल। नाउ मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज, ठीक है। सो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे आते हैं, अंडरस्टैंडिंग IMF बेलआउट, ठीक है। तो बेलआउट को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर IMF ने दोनों कंट्री के लिए, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे श्रीलंका हो, दोनों कंट्रीज के लिए बेलआउट यहाँ पर डिक्लेयर किया है। श्रीलंका को $3 बिलियन का यहाँ पर बेलआउट यहाँ पर IMF का मिलेगा, और पाकिस्तान को $1.1 बिलियन का यहाँ पर बेलआउट मिलेगा, एज दोनों कंट्री आप सब जानते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहे हैं, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ IMF बेलआउट करता क्यों है, क्यों दूसरी नेशंस को हेल्प करता है, मैं आपको बता दूं। कंट्रीज विच सीक सपोर्ट या फिर हेल्प फ्रॉम IMF यूजुअली व्हेन देयर इकोनॉमिक फेस मेजर माइक्रो इकोनॉमिक रिस्क, ठीक है। तो उनकी जब इकोनॉमिक मेजर माइक्रो इकोनॉमिक रिस्क फेस करें, तब कंट्रीज यहाँ पर आती हैं IMF के पास, उनसे हेल्प मांगती हैं, ठीक है। चाहे वो आपका फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे आपका करेंसी क्राइसिस हो, चाहे वो इकोनॉमिकली इंस्टेबल हो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपका IMF क्या करता है, बेल आउट करता है, ठीक है, कंट्रीज़ को हेल्प करता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंट आप देख सकते हैं श्रीलंका या फिर पाकिस्तान का यहाँ पर केस डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल में। बोथ कंट्रीज हैव विटनेस्ड डोमेस्टिक प्राइस राइज रैपिडली एंड द एक्सचेंज ऑफ वैल्यू एंड देयर करेंसीज ड्रॉप स्टेपली अगेंस्ट द $US, ठीक है। तो दोनों कंट्रीज में आप देखें तो डोमेस्टिक प्राइस है, उसके जो प्राइसेस है वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो आपका LPG हो, चाहे वो आपका जनरल स्टोर से जो भी सामान हो, ठीक है, चाहे वो आपका सब्जी वेजिटेबल्स जो भी हो, उनके प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं इन बोथ द नेशंस, ओके। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इनके इनके जो इकोनॉमीज है और इस एक्चुअली जो इनके करेंसी है उसमें भी आप देखेंगे $US के हिसाब से आप देखेंगे इनकी करेंसी की वैल्यू भी गिरती जा रही है, ठीक है। और ये जो करेंसी क्राइसिस जैसे सिचुएशन यहां पर क्रिएट होती है, ये किस वजह से होती है, ग्रॉस मिसमैनेजमेंट, ठीक है। आपकी जो नेशन की जो करेंसी है इसका ग्रॉस मिसमैनेजमेंट होता है, इसकी वजह से आपको करेंसी क्राइसिस का सिचुएशन आपको फेस करना पड़ता है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। यहां पर इसकी वजह से आपको यहां पर IMF क्या करता है, बेल आउट करता है, ताकि जो कंट्रीज हैं वो लड़ पाए, ठीक है, इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधार पाएं, ओके। IMF का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1945 में, ठीक है, एक ब्रिटेन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद यहाँ पर IMF का सेटअप किया गया 1945 में। इसका प्राइमरी गोल लिख लीजिएगा, इट्स प्राइमरी गोल टू ब्रिंग अबाउट द इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन टू प्रिवेंट कंपीटिंग करेंसी डिवैल्यूएशन बाय कंट्रीज ट्राइंग टू प्रमोट देयर ओन एक्सपोर्ट, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए, जो कंट्रीज यहाँ पर मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करती हैं उनको यहाँ पर ये सपोर्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर अपनी जो वैल्यू या फिर अपनी जो एक्सपोर्ट्स है उसको जो कंट्रीज जो प्रमोट करती हैं उनको यहाँ पर वो प्रिवेंट करता है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप सभी को बता दिया, ठीक है। इंडिया टेल्स कैनेडा टू अरेस्ट दोज हु थ्रेटन हाई मिशंस, ठीक है। तो इंडिया ने कैनेडियन गवर्नमेंट को कहा, इंडियन गवर्नमेंट ने कैनेडियन गवर्नमेंट को कहा कि आप उन लोगों को अरेस्ट कीजिए, उन एलिमेंट्स को अरेस्ट कीजिए जो कि यहाँ पर हाई मिशन को थ्रेटन किए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, खालिस्तानियन सपोर्टर्स ट्राई टू इंसाइट वायलेंस आउटसाइड इंडियन एम्बेसी इन US, ठीक है। तो US में भी आप देखेंगे कि जो खालिस्तान के जो एलिमेंट्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो यहाँ पर वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी के सामने, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टर में लिखा हुआ है, एम्बेसडर तरनजीत सेम ऑन यू फॉर बीइंग द फेस ऑफ इंडियन टेरर डिप्लोमेसी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे US में भी ये सारी चीज़ें होती हुई आपको देखने को मिल रही है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ट्रेन टू प्लाई ऑन वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन 2024, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड का ये हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है जो कि आपको आने वाले टाइम में जनवरी फरवरी 2024 के आसपास ये आपको यहाँ पर ओपनिंग या फिर इनॉग्रेशन इसका देखते हुए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर सारी सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने यहाँ पर विजिट किया, ठीक है। ये खुद जाकर इस सारी सिचुएशन को यहाँ पर चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसका हाइट मैं आपको बता दूँ, इस ब्रिज का हाइट है 359 मीटर, जो कि आपका आइफल टावर जो कि पेरिस में लोकेटेड है उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। आइफल टावर की हाइट है 330 मीटर के आसपास, ठीक है। एक्चुअली ये सारी चीज़ों को यहाँ पर देख के बनाया गया, देखिए जो ये एरिया है ना, ये आपका प्रोन टू अर्थक्विक है, ठीक है, प्रोन टू अर्थक्विक है, तो उस चीज़ों को यहाँ पर देख कर बनाया गया सारी चीज़ें, ठीक है। द मिनिस्टर सेड द चेनाब ब्रिज
हैड बिन कंस्ट्रक्टेड इन हाईली सेस्मिक प्रोन एरिया, ठीक है। तो हाईली सेस्मिक प्रोन एरिया में इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया गया एंड द बिगेस्ट चैलेंज वॉज टू गेट अ कॉन्क्रीट फाउंडेशन डिजाइन राइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिगेस्ट चैलेंज था इट वॉज टू गेट अ कॉन्क्रीट फाउंडेशन डिजाइन राइट एंड अबाउट 28,000 टन ऑफ स्टील हैज बिन यूज टू कंस्ट्रक्ट द आर्क ब्रिज, ठीक है। तो लगभग 28,000 टन का यहाँ पर स्टील का यूज किया गया इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन में। ओइंग टू अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ द ब्रिज विच कुड अब्सॉर्व विच कैन ऑब्जॉर्व द सॉक्स एंड सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिज विल बी आइसोलेटेड फ्रॉम एनी पोटेंशियल इम्पैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इस ब्रिज में ये क्षमता है कि कोई भी यहाँ पर जो सॉक्स है उसको अब्सॉर्व कर सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो आने वाले टाइम में अगर मान लीजिए अर्थक्वेक देखने को मिलेगा तो इस ब्रिज में इतनी क्षमता है कि वो यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। सो ये बहुत ही ताकतवर और पावरफुल इस ब्रिज को बनाया गया। और यहाँ पर याद रखिएगा वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है ये, ओके। किसके ऊपर? चेनाब रिवर के ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर के रेसी डिस्ट्रिक्ट में, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ऑकस फोकस ऑन अ सबमरीन टेक्नोलॉजी, देर इज नो रूम फॉर फोर्थ नेशन, मतलब कि ऑकस आप देख लीजिए तीन नेशन से मिलकर बना, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, ठीक है। तो ये तीन नेशन को छोड़कर चौथा कोई नेशन नहीं आ सकता है, उनके लिए इसमें जगह नहीं है, ये यहाँ पर एक्चुअली ऑफिशियल्स ने कहा, ठीक है। द प्राइमरी फोकस ऑफ द ऑकस अरेंजमेंट अमंग्स ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस इज सबमरीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो प्राइमरी फोकस क्या है? सबमरीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर इनका प्राइमरी फोकस है और कोई भी दूसरे के लिए, ठीक है। देर इज नो रूम फॉर द फोर्थ कंट्री, ठीक है, चौथा कंट्री चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो उनके लिए इसमें जगह नहीं है, ठीक है। देर कुड बी अ सेकेंड पिलर फॉर ब्रॉडर टेक्नोलॉजी कॉपरेशन वेयर देर इज अ रूम फॉर कॉपरेशन विद इन विद अदर नेशंस विद अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम सेकेंड पिलर ऐसा ही सेकेंड पिलर बना सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज होंगी, ठीक है, और वहाँ पर इंडिया भी हो सकता है, ठीक है। तो बट इसमें इंडिया को भी जगह नहीं मिलेगा, ठीक है, ये यहाँ पर एक्चुअली क्लियर कर दिया गया। देर इज़ अ पिलर टू फॉर द कॉपरेशन इन टेक्नोलॉजीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर, साइबर स्पेस, क्वांटम, अंडर दैट देर इज़ अ रूम फॉर मोर टेम्परेचर मोर पार्टनर्स, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर जगह में आपको मैं आप बता दूँ कि जो यहाँ पर हम सोच रहे थे कि ऑकस में और लोग या फिर और नेशंस यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ तीन ही नेशंस रहेंगे। अंडर दिस ऑस्ट्रेलिया विल रिसीव एटलीस्ट 3 सेकेंड हैंड SSNS फ्रॉम द US बाय 2030, ठीक है। तो 2030 तक आपको यहाँ पर 3 US से रिसीव करेंगे सबमरीन्स, ठीक है, और 5 आपको UK यहाँ पर देता हुआ दिखने को मिलेगा 2040s तक, ठीक है। 2040s तक आपको ये यूके यहां पर 5 सबमरीन्स आपको ऑस्ट्रेलिया को ये दे देगा, ठीक है। ऑकस इज नॉट अ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑकस ये नाटो नहीं है, ठीक है, फॉर इंडो पैसिफिक, रादर इट फोकस्ड ऑन टेक्नोलॉजी एंड इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट डेवलपिंग स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज टू मेंटेन स्टेबिलिटी, सॉरी। तो ये नाटो नहीं है, ठीक है, ये एक्चुअली टेक्नोलॉजीज पे फोकस कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इसकी टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, ठीक है। सेपरेटली बोथ यूएस एंड यूके आर इन रेस टू को डेवलप अ फाइटर जेट इंजन विद इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है। तो यहाँ पर यूएस हो या फिर यूके हो दोनों अलग अलग यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं फाइटर जेट्स के इंजन विद इंडिया एंड फ्रांस विथ अ जनरल इलेक्ट्रिक GE414 इंजन हैविंग ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड टू पावर द लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो एक यहाँ पर इंजन का नाम है जनरल इलेक्ट्रिक GE414 इंजन जिसको ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया गया है फॉर LCA, ठीक है, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए Mark 2 के लिए, ठीक है। एंड द अमेरिकन गवर्नमेंट इज करेंटली कंसिडरिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम GE टू लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग द इंजन इन इंडिया, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ऑकस अभी सबमरीन टेक्नोलॉजीज पे फोकस करता है और चौथे नेशन के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है इसमें, ओके। एयर इंडिया एंड नेपाल एयरलाइंस एयरक्राफ्ट कम क्लोज टू अ कोलिजन, ठीक है। तो यहाँ पर आप कल के दिन एक एक्सीडेंट यहाँ पर होते हुए बच गया, ठीक है, एयर इंडिया की एक फ्लाइट थी, ठीक है, और यहाँ पर नेपाल एयरलाइंस की एक फ्लाइट थी जो कि दोनों आपस में टक्कर होते होते बच गया, ठीक है, ऊपर नीचे।